हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th लेसन 2nd ज्योग्राफी से रिलेटेड SST का चैप्टर स्टडी करेंगे। लेसन 2nd क्लास 7 ज्योग्राफी SST। स्टूडेंट्स, हमारे लेसन का नेम है इनसाइड द अर्थ। इनसाइड द अर्थ इट मींस अर्थ के जो इंटरनल पार्ट होता है, इंटरनल पार्ट में क्या क्या चेंजेस होते हैं और इंटरनल पार्ट में अर्थ के होता क्या है, हम इस लेसन में ये स्टडी करेंगे। अब हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि अर्थ का इंट्रोडक्शन। अर्थ के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले है द और अर्थ इज़ कॉन्स्टेंटली अंडर गोइंग चेंजेस। हमारी अर्थ में अंदर बहुत चेंजेस होते हैं। द इंटीरियर ऑफ द क्रस्ट एज टेम्परेचर एज वेरी हाई। हमारी अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट होता है उसमें टेम्परेचर बहुत हाई होता है। जैसे जैसे हमारी अर्थ इंटीरियर पार्ट में डिपर लेवल पे जाती जाती है, वैसे वैसे हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो चेंज हो जाता है। इट मीन्स जैसे मान लो 30 और 35 मीटर डिस्टेंस है तो उस पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द अर्थ इंटू 3 कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ वेरिंग थिकनेस नोन एज क्रस्ट मेंटल एंड कोर। अर्थ का जो 3 लेयर्स होती है, अर्थ की 3 लेयर्स होती है। सबसे फर्स्ट अपर लेयर होती है क्रस्ट, सेकंड लेयर होती है मेंटल और थर्ड लेयर होती है कोर। अर्थ की 3 लेयर्स होती है, अपर लेयर होती है क्रस्ट, सेकंड लेयर होती है मेंटल और थर्ड लेयर होती है कोर डिपर लेवल पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है, सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक है क्रस्ट। इट मीन्स अर्थ की जो अपर लेयर होती है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, जिसे हम लिथोस्फेयर भी कहते हैं। लिथोस्फेयर में ये होता है कि जो भी हमने अपने पहले वाले लेसन्स में स्टडी किया था कि लिथोस्फेयर इट मीन्स हार्ड एरिया। इट मीन्स जो भी हमारा जो क्रस्ट है, जो हमारा हार्ड लेयर है, जैसे सरफेस एरिया वगैरह, ये सब लिथोस्फेयर में आता है। और हाइड्रोस्फेयर में आता है वाटर लेवल। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। द क्रस्ट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। अर्थ की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम कहते हैं क्रस्ट। अब इट्स थिकनेस वेरियस बिटवीन, इसकी थिकनेस होती है इंटरनल लेवल पे 5 to 8 किलोमीटर। एंड ओशनिक फ्लोर, यह है ओशनिक फ्लोर पार्ट है ओशनिक फ्लोर का। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है 35 किलोमीटर अंडर द कॉन्टिनेंटल मासे। और कॉन्टिनेंटल एरियाज़ होते हैं, जैसे मान लो ओशनिक एरियाज़ हैं, ओशनिक सरफेस में क्या होता है 5 to 8 किलोमीटर अंदर वेरियस थिकनेस होती है अर्थ की। लेकिन जहाँ कॉन्टिनेंटल एरिया आ जाता है वहाँ अर्थ की थिकनेस होती है 35 किलोमीटर। सबसे पहले हमारा आ जाता है जो क्रस्ट होती है वो कौन किस किस की कंसिस्टेंसी से बनी भी होती है, फॉर्म्ड होती है। अर्थ की जो क्रस्ट होती है, जो अपर लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ की जो क्रस्ट होती है वो 2 एलिमेंट से बनी हुई होती है, 2 मिनरल से फॉर्म्ड होती है। सबसे पहले है सिलिका, इसका केमिकल फार्मूला है SI, और फिर है एल्यूमिनिया Al आर द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट। ये 2 मिनरल्स होते हैं सिलिका और एल्यूमिनिया। इन दोनों ही मिनरल से अर्थ का जो अपर मोस्ट पार्ट होता है, आउटर मोस्ट पार्ट होता है क्रस्ट, वो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेस। कॉन्टिनेंटल मासेस पे जो मेन मिनरल्स होते हैं उन 2 मेन मिनरल्स के नेम हैं सिलिका और एल्यूमिनिया। ये होते हैं कॉन्टिनेंटल मासेस पे। इट मीन कॉन्टिनेंटल एरियाज होते हैं वहाँ पे जो 2 मिनरल्स मिलते हैं वो हैं सिलिका और एल्यूमिनिया। इन दोनों ही को ही कंबाइन फॉर्म में कहते हैं SiAl। इन दोनों ही फॉर्म को कंबाइन फॉर्म में कहते हैं SiAl सेल। इट मीन्स एक बार वापस देख लीजिए, अर्थ की अपर मोस्ट लेयर होती है क्रस्ट, अपर मोस्ट लेयर में जो कॉन्टिनेंटल मासेस होते हैं वो 2 मिनरल से मिलकर बना हुआ होता है, सिलिका SI और एल्यूमिनिया AL। ये दोनों ही मिनरल्स कॉन्टिनेंटल मासेस पे कंबाइन फॉर्म में सेल कहते हैं हम इसे। नेक्स्ट हमारा पार्ट आ जाता है द ओशनिक क्रस्ट। ये तो हमारा हो गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को तो सेल कहते हैं, लेकिन जो ओशनिक क्रस्ट होता है वो हमारा होता है, उसे वो बना हुआ होता है सिलिका और मैग्नीशियम से MG।
जो सिलिका और मैग्नीशियम से जो पार्ट बना हुआ होता है, जो ओशनिक क्रस्ट होता है, उसे हम कहते हैं सीमा। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि जो ओशनिक क्रस्ट होता है वो सिलिका और मैग्नीशियम से फॉर्म्ड होता है, सिलिका और मैग्नीशियम। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट कि मेंटल। अर्थ की जो सेकंड लेयर होती है, अर्थ की फर्स्ट लेयर तो है क्रस्ट, जो सेकंड लेयर होती है अर्थ की उसे हम मेंटल कहते हैं, मेसोस्फेयर भी कहते हैं। द मेंटल विच इज़ सेकंड लेयर, मेंटल सेकंड लेयर होती है, ये एक्सटेंडेड होती है, इट मींस इनर पार्ट में जो एक्सटेंडेड अर्थ का लेवल होता है वो होता है, इसका डेप्थ होती है 2900 किलोमीटर। ये क्रस्ट से बिलो होती है, इट मीन जो आउटर मोस्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर है वो तो क्रस्ट है, सेकंड लेयर है अर्थ की मेंटल है, इसकी डेप्थ होती है 2900। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इट कंसिस्ट्स, जो मेंटल पार्ट होता है अर्थ का वो Fe, मैग्नीशियम Ma और सिलिका से बना होता है। Fe का मतलब होता है आयरन, Fe का मतलब होता है आयरन। अर्थ का जो मेंटल पार्ट होता है वो आयरन, Fe, मैग्नीशियम, Ma और सिलिका से फॉर्म्ड होता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स, अर्थ का जो मेंटल पार्ट होता है वो टू लेवल पे कंसिस्ट होता है। टू लेवल इट मींस अपर मेंटल लेयर और लोअर मेंटल लेयर पे कंसिस्ट होता है। और अर्थ का जो सेकंड पार्ट होता है मेंटल, वो टू लेवल पे कंसिस्ट होता है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अपर मेंटल इज़ द 870 डिग्री सेल्सियस। अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर होता है अपर मेंटल का, मतलब ऊपरी एरिया का मेंटल लेवल का, वो 870 सेल्सियस होता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है टॉपिक लोअर जो पार्ट होता है अर्थ का, उसका टेम्परेचर होता है 2200 सेल्सियस। अर्थ का जो लोअर पार्ट होता है उसका टेम्परेचर होता है 2200 सेल्सियस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है कोर और ब्रायोस्फीयर। बेटा ये ब्रायोस्फीयर नहीं है, बायोस्फीयर है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सबसे लास्ट जो अर्थ का पार्ट होता है कोर, ब्रायोस्फीयर। द इनर मोस्ट लेयर मतलब सबसे अंदर डेप्थ में जो अर्थ की लेयर होती है उसे हम कोर कहते हैं। कोर की थिकनेस होती है 3500 किलोमीटर। कोर की थिकनेस होती है 3500 किलोमीटर। कोर को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। जैसे हमने क्रस्ट में पढ़ा, जैसे हमने मेंटल में पढ़ा था कि टू पार्ट्स होते हैं, आउटर मेंटल और इनर मेंटल, उसी तरीके से कोर के भी टू पार्ट्स होते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक कि आउटर कोर का टेम्परेचर क्या होता है। अर्थ का जो लास्ट लेयर है उसमें जो कोर है, कोर की आउटर टेम्परेचर, आउटर कोर का टेम्परेचर होता है 2200 डिग्री सेल्सियस। और इनर कोर का टेम्परेचर होता है 5000 डिग्री सेल्सियस। दिस लेयर इज कॉल्ड निफ एज इट्स मेन कंपोनेंट्स ऑफ निकल एंड आयरन। जो अर्थ की इनर मोस्ट लेयर होती है जिसका जो टेम्परेचर होती है 5000 डिग्री सेल्सियस, उसे हम निफ कहते हैं, निफे कहते हैं। इसका जो कंपोनेंट्स होते हैं निकल, निफे, ये जो इनर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की वो निफे होती है। और इसे हम टू पार्ट्स में कंपोनेंट्स होते हैं इसके, निकल और आयरन। निकल इट मींस Ni और आयरन इट मींस Fe। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि जो अर्थ का द टेम्परेचर ऑफ द कोर बींग एक्सट्रीमली हाई, अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है, अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है। द मैटर इज मॉल्टन स्टेट इज कॉल्ड मैग्मा। जब अर्थ का जो अंदर टेम्परेचर होता है बहुत हाई होता है, जो अंदर मटेरियल होता है उस बहुत गर्म फॉर्म में होता है, बहुत हॉट फॉर्म में होता है, वार्म फॉर्म में होता है, उसे हम मॉल्टन स्टेट में होता है, इट मीन जो पिघला हुआ होता है, मेल्ट एरिया होता है, उसे हम मैग्मा कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द कोर का जो टेम्परेचर होता है अर्थ की जो लेयर है बहुत हाई होता है, एक मॉल्टन स्टेट में होता है, इट मीन मेल्टिंग फॉर्म में होता है, इसे हम मैग्मा कहते हैं। फिर अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है
रॉक कि अब हमारा नेक्स्ट रॉक से पहले बेटा हम लावा स्टडी कर लेते हैं. दिस रेड मोल्टन मैग्मा इरेप्ट्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ थ्रू द वॉल्केनोज एक्टिविटीज कॉल्ड लावा. बेटा हमारे अर्थ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं. वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं. जब वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं तो अर्थ के जो इंटीरियर पार्ट में जहाँ पे जो मोल्टन होता है, मेल्ट स्टेट में होता है मोल्टन, वो जब गर्म लावा, जिसे हम कहते हैं गर्म फॉर्म, हॉट फॉर्म में होता है, जो जब वो अर्थ से बाहर इरेप्ट होता है, इंटीरियर पार्ट से इरेप्ट होता है, किसके थ्रू इरेप्ट होता है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू बाहर निकलता है जब मोल्टन मैग्मा, तो उसे हम कहते हैं लावा. इट मीन्स जब अर्थ के अंदर जो मोल्टन फॉर्म में, मोल्टन स्टेट में जो मटेरियल है, इट मीन्स बहुत ही ज़्यादा वार्म स्टेट में जो मटेरियल है उसे तो हम मैग्मा कहेंगे. मैग्मा रेड इसलिए होता है, रेड कलर इसका इसलिए होता है क्योंकि बहुत ही हॉट होता है. और जब ये वॉल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू बाहर निकलता है तो मैग्मा किस में कन्वर्ट हो जाता है, लावा में कन्वर्ट हो जाता है. अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है मटेरियल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट. की क्रस्ट के जो अर्थ की क्रस्ट होती है, क्रस्ट इट मीन्स जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो बाहर की तरफ लेयर होती है, सरफेस एरिया होता है, उसे हम क्रस्ट कहते हैं. इसका सबसे फर्स्ट ये किस किस से मिलकर बनाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट किस किस से होता है, कंसिस्टेंसी इसकी किस किस लेवल पे होती है. सबसे पहले हमारा आ जाता है रॉक. ऑल सॉलिड मटेरियल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के जो सरफेस एरिया पे सारे सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, हार्ड होते हैं और कुछ हॉट भी होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रॉक कहते हैं. द सॉलिड मटेरियल ऑफ द अर्थ वेट एवर हार्ड और सॉफ्ट, जो हार्ड भी हो सकते हैं और सॉफ्ट भी हो सकते हैं. इट मीन्स हमारी जो अर्थ पे जो रॉक मिलते हैं वो हार्ड भी हो सकते हैं और सॉफ्ट भी हो सकते हैं. सॉफ्ट जैसे बेटा प्यूमिक स्टोन होता है, वो बहुत सॉफ्ट स्टोन होता है और उसे हम सॉफ्ट स्टोन भी कहते हैं. तो इट मीन्स जो स्टोन्स होते हैं वो सॉफ्ट भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं. फिर हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं. दे मेड ऑफ वन एंड मोर मिनरल्स, जो रॉक होते हैं वो या तो उसमें वन मिनरल होता है, या तो उनमें मिनरल्स एक ही होता है, और या उसमें मिनरल्स होते हैं टू. नेक्स्ट हमारा टॉपिक, दे मेड अप ऑफ वन और मोर मिनरल्स. ये बेटा जो रॉक्स होते हैं वो या तो वन मिनरल से मिलकर बने हुए होते हैं या टू मिनरल से बने हुए होते हैं. फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है, और इनके दे डू नॉट हैव ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, इनकी कोई भी केमिकल कंपोजिशन नहीं होती है. सबसे पहले रॉक के दो फीचर्स हैं बेटा, ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं. टू फीचर्स में आ जाता है, सबसे पहले वन और मोर मिनरल, ये कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वन और मोर मिनरल से, ज़्यादा मिनरल भी हो सकते हैं, और इनमें कोई भी केमिकल कंपोजिशन नहीं होती है. फिर अब हमारा आ जाता है मिनरल्स. मिनरल्स क्या होते हैं बेटा, मिनरल्स आर सब्सटेंस विच अकर इन रॉक्स. मिनरल्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कहाँ मिलते हैं, रॉक्स में मिलते हैं. मिनरल्स आर सब्सटेंस विच अकर इन रॉक्स, मिनरल्स हमें रॉक्स में मिलते हैं. दे हैव ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, मिनरल्स की केमिकल कंपोजिशन होती है. ईच मिनरल कंटेंस टू और मोर सिंपल सब्सटेंस, हर जो मिनरल होता है वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ होता है. जो ये सब्सटेंस होते हैं जिनसे मिलकर मिनरल बनता है उसे हम कहते हैं एलिमेंट्स कहते हैं. स्टूडेंट हमने अपना फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट क्लास में हमने अपने फर्स्ट वीडियो में जो सेवन्थ क्लास का SST से रिलेटेड ज्योग्राफी का लेसन सेकेंड का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया था. हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेसन सेकेंड ज्योग्राफी से रिलेटेड SST का क्लास सेवन्थ का रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे.